गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। मैं हूं विनीता मौर्य। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं अपनी रसोई में करेले की भरवा कलौंजी। इस कलौंजी को आज मैं बिना छीले इसके छिलकों को बनाऊंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी करेले की कलौंजी को बनाना। करेले की कलौंजी को बनाने के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी ये मैं आपको पहले बताऊँगी। सबसे पहले तो मैंने ये करेले ले रखे हैं, ये हाफ के जी करेले हैं। करेले एकदम हमारे सॉफ्ट होने चाहिए, कड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसको मैंने अच्छे से धोकर इसके पानी को सुखा लिया है और फिर उसके बाद इसको मैंने बीच से कट कर लिया इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से अपने सारे करेलों को मैंने बीच से कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए गर्म मसाला। गर्म मसाले में हमारे सारे मसाले मिले हुए हैं, नमक, हल्दी और ये लाल मिर्ची पाउडर, सरसों का तेल। इतनी सामग्री हमें चाहिए कलौंजी को बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम अपने करेले में इन मसालों को अच्छे से मिलाकर भर लेंगे। अब हम इसमें सारे मसालों को मिला लेंगे। गरम मसाले में नमक डालूंगी मैं पहले, हल्दी एक चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दे रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम करेले में इस मसाले को भरेंगे। इसको हम इस तरह से दबा देंगे। इसी तरीके से हम अपने बाकी के करेलों में भी मसाले को भर लेंगे। हमने अपने सारे करेलों में मसालों को अच्छे से भर लिया है। अब मैं इनको कढ़ाई में रखूंगी पकने के लिए। कढ़ाई मैंने पहले से रख दी थी गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। तेल हमारा ज़्यादा रहेगा। अब हम इसमें करेलों को डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है अच्छे से। इस तरीके से करेले को मैंने कढ़ाई में रख दिया है सारे पकने के लिए। अब मैं इनको आधा घंटे तक पकाऊंगी और बीच बीच में इनको हम चलाते रहेंगे। हम अपनी कलौंजी को एक बार चेक कर लेते हैं कि पकी है या नहीं। ये गल गई है थोड़ा सा अभी। इसको हम इस तरह से पलट देंगे। इसको मैंने पलट दिया है कलौंजी को। अब मैं इसको फिर से ढक दूंगी पकने के लिए। कलौंजी को हम फिर से एक बार पलट ले रहे हैं। इसको हम चिमटे से पलटेंगे क्योंकि अगर हम कलछुल से करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए, काफ़ी हद तक हमारी जो कलौंजी है पक चुकी है। अभी मैं इसको 10 मिनट तक और पकाऊंगी। अभी हम चेक करते हैं कि हमारी कलौंजी अच्छे से पक चुकी है नहीं। हमारी कलौंजी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, एकदम कुरकुरी कलौंजी हमारी बन के रेडी हुई है। इसको हम चला देंगे अभी, अच्छे से मिला देंगे पूरी कलौंजी को। ये देखिए, बहुत अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को हम उतार ले रहे हैं। अब हम कलौंजी को एक प्याले में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम निकालेंगे। ये हमारी करेले की जो कलौंजी है बनके रेडी हो चुकी है खाने के लिए। आप भी अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।